एबीपी गंगा का काफिला सीएम आवास के पास पहुंचा, जहां सड़कें गुलजार दिखाई दी, सड़कों पर रंग बिरंगी लाइटें दिखाई दी। आप भी ये रिपोर्ट देखिए। एबीपी गंगा का काफिला अब चल रहा है मुख्यमंत्री आवास की तरफ, और आपको अब हम दिखाते हैं कि किस तरह से जो रास्ते हैं, जगह जगह किस तरह की लाइटिंग यहाँ पर की गई है। एक और चौराहा यहाँ पर आ चुका है, जहाँ आप देखें कि होल्डिंग्स लगे हुए हैं और इस पूरे चौराहे पर लाइटिंग है। चौराहे से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सड़क के दोनों किनारों पर जो पेड़ लगे हैं उनमें लाइटिंग की गई है, झालरें लगाई गई हैं रंग बिरंगी, लाल, पीली, हरी, नीली, बैंगनी, अलग अलग रंग से इन पेड़ों को सजाया गया है। तो आप देखिए कि किस तरह से पूरा शहर, राजधानी लखनऊ जो है वो जगमग है 25 मार्च के उस मौके को लेकर, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, जिसमें 70,000 से ज्यादा लोग साक्षी बनेंगे। देश भर से तमाम उद्योगपति आएंगे, तमाम अगर बात की जाए न्यायाधीश हैं उनको बुलाया जा रहा है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी साधु संत सभी वर्ग के लोग यहाँ होंगे। और ये देखिए आप, ये पूरा रास्ता किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार सजाया गया है सड़क के दोनों तरफ ये पेड़, और इन पेड़ों पर ये झालरें, लाइटिंग्स। और आगे जब हम जा रहे हैं तो यहीं से आगे वीवीआईपी गेस्ट हाउस भी है, जहां पर कई अतिथियों के रुकने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा तमाम और जो गेस्ट हाउस है वहां पर भी व्यवस्था की गई है। और ये रास्ता वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर हम अब पहुंच चुके हैं। आप देखें यहां पर भी रोड के दोनों तरफ लाइटिंग जो है वो देखी जा सकती है किस तरह से है। इस वीवीआईपी गेस्ट हाउस में भी लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। यहां पर भी जो तमाम होल्डिंग्स हैं वो आप देखें, वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर भी हम लाइटिंग देख पा रहे हैं, इसको भी सजाया संवारा गया है। और ये आगे एक और चौराहा जहां हम पहुंचे हैं, जहां भी दूर दूर तक हमारी नजर अब जा रही है तो हम देख पा रहे हैं कि कितना हर तरफ सजावट है। और मुख्यमंत्री आवास के पहले जो चौराहा है, यहां से एक रास्ता राजभवन की तरफ जाता है, उस तरफ भी हम चल रहे हैं और देखते हैं कि राजभवन की तरफ की जो तैयारी है वो किस तरह की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहां पर भी आप देखें जगह जगह ये लाइटिंग लगी हुई है,